Phuket International Airport, and we are in Phuket. Hello, what's up guys? This is Abhishek. This is Hema. और आज हम हैं फुकेट में और फुकेट से हम जाने वाले क्राबी क्राबी 3 नाइट स्टे रहेगा और उसके बाद वापस आएंगे फुकेट के लिए 4 नाइट स्टे के लिए. सबसे बड़ी बात यह है कि यह है क्रिसमस वेकेशन 2020, तो हम ये जानेंगे कि यहाँ पे क्रिसमस पार्टी कैसे रहते हैं. इसमें हम कब पब क्राउल जाने वाले हैं, बहुत सारी पार्टी इन्जॉय करने वाले हैं और भी बहुत कुछ होने वाला है. सो प्लीज गाइस स्टे कनेक्टेड. शेक साइनिंग आउट. अभी हम फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और मेरे पास है 4x कार्ड जो कि मेक माई ट्रिप का है, HDFC का. मैं अभी ATM से विड्रॉ करने जा रहा हूँ 20,000 बाद. देखते हैं 20,000 बाद इसकी लिमिट है एक ही साइड इनके ATM 20,000 तक हमें क्या पैसे दे सकते हैं, चेक करेंगे. यहाँ पे इंटर पिन. तो 20 थाई बाद मुझे सर चार्ज लगेंगे, देखते हैं, कंफर्म करते हैं. यस, मनी इज कमिंग. हियर वी गो. हियर आई गॉट कार्ड एंड दिस इज द रिसिप्ट ऑफ 20,000 बाद एंड एक्स्ट्रा चार्जेस इज 220 बाद. आप जब भी बाहर आओगे तो ऐसा माहौल रहेगा, गेट अ सिम कार्ड यार. अभी मैं जो सिम कार्ड जो मैंने परचेस किया है वो DTAC का है. अभी DTAC के काउंटर पे जाएंगे. मिल गया DTAC काउंटर. यस. We booked 2 SIM card. अभी हम 7-Eleven आए जो कि फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीकी में पड़ता है. बहुत सुबह से भूख लगी है, सोचा थोड़ा खा लेते हैं. तो हेमा अभी देखेंगे मेरे लिए क्या खाना सिलेक्ट करने वाले है. इट्स नॉट अ खाना, हल्का सा स्नैक्स. भाई हम लोग तो पहले जाके जूस पे ही जाते हैं. हेमा सिलेक्ट एनी जूस, ऑरेंज जूस. Take this. It's showing orange. 14 baht. Take one more. Other flavor. Oh. Indian naughty बच्चों के लिए beer के rates. Leo beer at 46 Thai baht only. If you want 2 big cans, 124 Leo. Coca Cola bottle, 22. Different sandwiches. Only 31 baht. So sandwiches. अभी हम जा रहे हैं, एक सेदान कार है और फुकेट से क्राबी निकल रहे. तो मैंने जब चेक किया कितना किलोमीटर है यहाँ से, तो 142 किलोमीटर है और लगभग 2 घंटा 24 मिनट बता रहा है. तो 2 घंटा 24 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है. तब तक के लिए हम थोड़ा सो जाएंगे क्योंकि प्लेन में ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आती. और ये हमारी लेडीज़ ड्राइवर है क्योंकि अभी हम 3 दिन क्राबी स्टे करने के बाद 4 दिन के लिए हम फुकेट जाएंगे. फुकेट का होटल है लब्धी पटन. बहुत मज़ा करने वाला है क्योंकि वहाँ पे 31st नाइट होने वाली है और हेमा एक अच्छी डांसर है. उसका डांस देखेंगे, है ना हेमा? यस. यू विल डांस? यस ऑब्वियसली. टिल नाइट? Yes. Full night. Yes. हम जा रहे हैं पैराडाइज होटल जो मेरे पीछे है, आप देख सकोगे पैराडाइज होटल. ये
चलो पहले हम चेकिंग करते फिर देखते रिसेप्शन दिस वे. वो देखो वहाँ से सी भी दिख रहा है. उसके बाजू में ही लग के एक पतली सी गली है, मतलब एक 10 मीटर भी नहीं है. वहाँ से ही एंट्रेंस होते ही मुझे ये बीच का नज़ारा मिल रहा है. वाव, इतना टायर्डनेस था सुबह से बट सब निकल गया. ये है ब्लू डॉल्फिन रेस्टोरेंट एंड बार. शायद यहाँ पे रात में ज़्यादा भीड़ रहेगी बट अभी के लिए इतना ही. अभी 2 बजे का चेक इन टाइम है, सोचा कुछ खा लेते हैं. और हम खाने के लिए जैसे ही निकले तो वाव ब्यूटीफुल है ना हेमा. बहुत ही अच्छा नजारा है. चल परे है फिक्र यारा, धुए में उड़ा के जाने क्या होगा हे मारे. ये बेसिकली आउनांग बीच है मेन, जो मैं अभी दिखा था आपको. हमारे पीछे जो है वो आउनांग है. एक व्यू देता हूँ आपको. दिसंबर का क्लाइमेट है तो थोड़ा क्लाइमेट भी अच्छा है. धूप नहीं है, वेटिंग नहीं हो रही है, गर्म नहीं हो रहा है. और ये क्राबी का एक हैपनिंग पॉइंट जाना जाता है आउनांग. सामने मार्केट है, आई मीन टू से स्टोर से वैरायटी ऑफ स्टोर मिलेंगे यहाँ पे. इंडियन फूड रेस्टोरेंट प्राइजेस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे. प्राइजेस हो गया गुरु. इंडियन फूड आलू मटर 140 इंटू 2 करिए मतलब उतना इंडियन है. तंदूरी प्रॉन्स मसाला 320, वेज मशरूम 230, चिकन करी 250, बिरयानी देखते हैं यहाँ पे. यह है विस्की के रेट, लिकर रम कॉकटेल्स. फिश करी 230. ये है नूरी इंडिया. चिकन केबमी कबाब. यहाँ पे क्राउड ज़्यादा लग रहा है नूरी के यहाँ तो शायद नूरी ही चेक करते एक बार है ना हेमा. चलो अंदर जाते. पहुँच भी गए, नूरी रेस्टोरेंट है. हाँ हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऊपर आके. बहुत सारे टेबल है यहाँ पे. तो गाइस अब हम पहुँचे न्यूरी रेस्टोरेंट. यहाँ से खाना खाएंगे और 2 बजे का चेक इन करेंगे. उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम में मार्केट शायद देखेंगे. कल की जो टूर है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ. कल मॉर्निंग में हम जाएंगे क्राबी, उसमें 4 आइलैंड विजिट करेंगे जिसमें चिकन आइलैंड, ट्यूब आइलैंड, पोंडा आइलैंड. हाँ रखिए ना, थैंक्स. रिले बीच. और उसके बाद मतलब 30 दिसंबर को है रेन फॉरेस्ट टूर, जिसमें हॉट स्प्रिंग, एम्बर्ड पूल, टाइगर केव टेम्पल और मतलब ये जो 3 है उसको 3-in-1 बोलते हैं, इसे जंगल टूर बोली जाते हैं, वो करेंगे. फिर 31 दिसंबर को हम चेकआउट करेंगे यहाँ से. चेकआउट करने के बाद मतलब जब हम चेकआउट करेंगे उससे पहले 30 दिसंबर को एक पब क्राउल पार्टी आए, पब क्राउल एक पार्टी रहती है जिसमें हर एक बार को हिट करते हैं वो रात में. हर एक बार मतलब मैक्सिमम 4 to 5 bars रहते हैं. वो पार्टी करने के बाद वो भी ढांसू रहता है, वो चेक करेंगे. फिर दूसरे दिन थोड़ा लेट हो जाएगा उठने के लिए, 31st है. चेकआउट करके फिर
हम लोग जाएंगे फुकेट यहाँ से. फुकेट के बाद उस दिन को पूरा रेस्ट रखेंगे. फुकेट लाइफ लाइफ एंजॉय करेंगे. फिर बाद में उसके दूसरे दिन 1 तारीख को फुकेट सिटी टूर होगी. फिर 2 तारीख को पंगा बे जेम्स बॉन्ड उसकी टूर रहेगी. उसके बाद और ये सब इस टूर स्पीड बोट से करने वाला हूँ मैं. इसका रीज़न ऐसा है कि स्पीड बोट जल्दी फास्ट रहती है और बहुत ज़्यादा जगह पे वो कवर करते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे लॉन्ग टेल बोट जाती नहीं तो वो कवर नहीं करती. फिर 3 जनवरी को हम फीफी आइलैंड, खाई आइलैंड, ग्रीन आइलैंड ये भी स्पीड बोट से ही करेंगे. और वहाँ पे जो भी आइलैंड है वहाँ पे लंच रहेगा हमारा. और बाकी 4 तारीख को हमारा चेकआउट रहेगा. ये शेड्यूल हमने बनाया है, 4 नाइट्स फुकेट में और 3 नाइट्स क्राबी में. देखते अभी खाने का ऑर्डर करते हैं. सो जस्ट नाउ वी ऑर्डर लियो बियर एंड दिस इज पिना कोला ड्रिंक्स. पिना कोला में शेप देखिए ज़रा. और दूसरी बात है कि जो ये पिना कोला है इसमें है मैलिब्यू, मैलिब्यू पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जूस, कोकोनट मिल्क. और ये बियर तो आपको पता है, इंडियन लोंडो को क्या बताना. चलो लेट्स एंजॉय द ड्रिंक्स. दिस इज आवर फर्स्ट ड्रिंक इन क्राबी. इसमें स्पेसिफिकेशन में देखे जाए तो 5% अल्कोहल है जो कि इंडिया में ज़्यादा रहती है. तो दिस इज गुड, चलेगा. ये है चिकन टिक्का मसाला. इसका ग्रेवी देखिए. और ये हमने ऑर्डर किया है 190 baht का. जो प्याज हमारे यहाँ बहुत महंगे हैं, यहाँ दे रहे हैं हमारे होटल में, इंडियन होटल में मिल नहीं रहे हैं. अभी 100 रुपये से ऊपर प्याज चल रहे हैं इंडिया में. 140 rupees के जी. नाइस लाइक अ इंडियन फूड. कम्प्लीटली टेस्ट इंडियन टेस्ट. वेरी नाइस, नाइस फूड, नाइस ड्रिंक. गाइस अभी हम खाना खा रहे जो कि नूरी रेस्टोरेंट जो मैंने आपको बताया. और हमारे साथ है सुनील कुमार भाई साहब. हाय. एकदम बेटर, बहुत ही अच्छा खाना दिया है. ऊपर से जो सर्विस है ऑसम है भाई साहब. एक बार आइए नूरी रेस्टोरेंट का खाना चखिए. डिजर्ट में आइसक्रीम भी खिलाते हैं आपको. यस. और एक्चुअली ये मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम है. ये और लाइटिंग से थोड़ा अच्छा दिखेगा. मैं नाइट में भी आऊँगा और एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा आपको. मेरा फिनिश होने वाला है, 2 बज गया. तो आप लोग चल आधे में कर जी. इसमें हैप्पी आवर्स बियर है जो कि बहुत अच्छी है, प्राइस रिजनेबल है. चिकन टिक्का मसाला देखे 634 baht. कुछ भी अलिकॉल नहीं. एक बार क्विकली इसके प्राइजेस देख लेते. बहुत बड़ा मेन्यू है, ज़्यादा टाइम जाएगा. तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इतने सारे आइटम है यहाँ पे, को बहुत वैरायटी है जिसकी प्राइस भी मेरे हद तक बहुत रिजनेबल है. वेज लवर्स के लिए ये मेन्यू. और जैन फूड भी अवेलेबल, बेसिकली जैन फूड अवेलेबल मतलब बहुत जैनी लोग वेलकम. यहाँ पे आके एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और ये हमारे सुनील कुमार भाई, थैंक्स अ लॉट बीइंग विद अस. इन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और ये 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं. और 5 साल में कुछ 4 या 5 बार चार या पाँच गए अपने गाँव. यस. तो एक बढ़िया जगह है, आने के लिए भूलना नहीं. और दूसरी बात, यहाँ का सीन मैं आगे से दिखाता हूँ जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको. सो मोहतरमा मुझे रूम दिखाने जा रही है और मैं उनके पीछे चल रहा हूँ.
Aha, very nice. This is the room. I like that. Your room, eh? It's my room. Thank you. See the surrounding of this room. I believe this is okay room because yesterday only we book from booking.com. इसका भी एक रीज़न है, ये रूम बुक करने की नौबत कब आएगी पहले मैं रूम दिखाता हूँ और इसकी स्टोरी मैं बाद में सुनाता हूँ. मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है मेक माई ट्रिप ने, जो कि हमें एक बंद होटल की बुकिंग 6 महीने पहले ही चिपकाई, जिसका नाम है बाबा जी हॉस्टल. उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. जाने दो, अभी आज छुट्टी करने आए तो छुट्टी करेंगे. सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय.